एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से। यार ये मुझे बात बताइएगा, क्या आपको भी लगता है कि मेरी अम्मी के जो बाल हैं वो फिर से ब्लैक हो रहे हैं? क्योंकि एक फेज़ होता है जब इंसान के बाल सारे वाइट हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं फिर से जवानी आती है। मुझे लगता है कि ये देखे अम्मी के जो बाल हैं ना वो बिल्कुल ब्लैक होना स्टार्ट हो गए हैं और थोड़े बालों, थोड़े 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 हाँ थोड़े थोड़े, लेकिन मुझे लगता है इनके बाल सारे के सारे अब जो है ना वो ब्लैक हो जाने हैं। तो ये हाँ, भी कहते हैं एक, मुझे लगाया कलर, मैं कहा मैंने लगाना, हाँ अल्लाह तो, ने लगाना है। हाँ तो भाई आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं ना वो पाकिस्तान में भी बिकते हैं। मतलब पाकिस्तान जो है ना वो नकली बना के ना तो उनको बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होते हैं ना उन पे पाकिस्तानी भी ज़्यादा भरोसा करते हैं बजाय पाकिस्तान के बने हुए प्रोडक्ट्स से। तो ऐसा करते हैं, देखते हैं पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेड इन इंडिया और पाकिस्तान की मार्केट में बिकते हैं और उनकी क्या प्राइस है पाकिस्तान में और इंडिया में। प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज के लिए, चलिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2019 से ऑफिशियली ट्रेड बंद है। बीबीसी के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार 2019 से बंद है। और आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि आज भी पाकिस्तान के अंदर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बिक रहे हैं और धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ये क्या बात करते हैं यार? और सबसे कमाल की बात, इसकी लोगों में डिमांड भी है। क्या बात है सर, लोग आगे से आके बोलते हैं कि हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट चाहिए। तो पाकिस्तान में हिंदुस्तानी प्रोडक्ट के क्या प्राइस है और किस प्राइस में पाकिस्तानी को मिलते हैं और वो प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम हिंदुस्तानियों को किस रेट में मिलते हैं, इसके लिए हमारी दूर की संवाददाता किट्टू डाव मार्केट गई थी। उन्होंने एक छोटा सा क्लिप बनाया, वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिजा भी मेरी कॉपी है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडियन प्रोडक्ट क्या रेट मिल रहे हैं। तो चलते हैं सीधा पाकिस्तान। तो कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे होगे। yes. कि यहाँ पर एक ऐसी वाहद शॉप है जहाँ पर ए टू जी इंडियन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। मैं आई हूँ, आज सोए भाई का वीडियो देखा, वहाँ पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का रेट बताया जा रहा है कंपेयर करके पाकिस्तान के प्रोडक्ट। पाकिस्तान में इंडियन वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, पाकिस्तान का खुद का बनाया हुआ तो कुछ भी नहीं है, सब कॉपी कैट है। ठीक है, ये आपको इस टाइम हम उस बाजार में मौजूद हैं और ये आप ये सारी प्रोडक्ट्स देख भी सकते हैं। पहले तो हम शॉपकीपर से मिलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम भाई, असलम भाई सबसे पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि देखने वाले भी सोचेंगे और एक मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इंडिया से तो ट्रेड बंद है, तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये इंडिया से आती कैसे हैं फिर प्रोडक्ट्स की तरफ? पहले भी जो इम्पोर्ट तो होती नहीं थी, इसी पैसेंजर ले आते थे तो बिकती थी। अच्छा। में इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मशहूरी चीजें हो रही है पाकिस्तान में, आज से नहीं सालों से लोग काम कर रहे थे। हाँ, हमें भी इतर का काम शुरू था, हमारा इतर का काम था इंडियन। ये कब से ये स्टार्ट किया अपना शॉप? हमारा 25 से 26 साल हो गए। 25 से 26 साल हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत से ये चीजें इधर पड़ी हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, जैसे आंवला पड़ा है, इसके अलावा किड्स होता है। ठीक है, ये हेयर ऑयल होता है, इसके लिए बालों के फ्रेश के लिए होता है, बच्चे बड़े सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया थोड़ा। अच्छा, ये क्या चीज़ है, आप ये देख सकते हैं जी, जो देखने वाले हैं ऊपर हिंदी में लिखा है हाई गो हिंगोली शायद लिखा है, पीछे इंग्लिश में है, और ये क्या है, ये खाने वाली गोली है? तबियत वगैरह के लिए होती है, पेट के प्रॉब्लम होते हैं, इसके हिंग पाउडर होता है। ठीक हो गया, इसके साथ हिंग पाउडर होता है। ठीक हो गया, और ये क्या है जी? ये सुबुल होता है, वाइट भूसी जिसे कहते हैं। ठीक है, इसकी प्राइस क्या है? ये 280 जी, 280 रुपीज पर पीस। ये पर पीस 280 50 ग्राम। शुरुआत करते हैं इस सब गोल से, ये 50 ग्राम का पैक और इसका रेट है 74 इंडियन रुपीज। ठीक हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स इनके पास मौजूद हैं, जैसे कि अगर हम ये पैराशूट कोकोनट ऑयल होता है। ठीक हो गया, पैराशूट इसी का आयुर्वेदिक आता है जैसे। ठीक है, इसकी क्या प्राइस है इस टाइम? 650 रुपीज। अच्छा, आप जो लोग देख रहे हैं वो बताइएगा कि क्या वहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स हैं इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो बताइएगा कि वो इनकी वहाँ पे क्या प्राइस है? यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 600 आपने बोला, 650 रुपीज। नेक्स्ट प्रोडक्ट है पैरासूट का कोकोनट ऑयल, 100% प्योर, और इसका रेट है 250 ml का 95 रुपीज इंडियन। एक और चीज मैंने देखी थी, वो अपना एक एक्टर की फोटो भी ऊपर लगी थी और ये यहाँ पे एक बॉक्स सा पड़ा था, ये आई थिंक आयोडेक्स है। हाँ। जी आयोडेक्स भी यहाँ पे ये मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बड़े फेमस एक्टर हैं जिनकी ये फोटो भी है। क्या ये वाकई में इंडियन प्रोडक्ट्स हैं? ये आप लोग बताइएगा कि ये मतलब ये ऐसा भी होता है कि अक्सर कॉपी वगैरह भी चीजें हो जाती हैं, क्यों क्या कहते हैं इसके? हो सकता है। तो ये आयोडेक्स और 43 ग्राम के है और 152 इसका रेट है इंडियन रुपीज। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा, बहुत पसंद करते हैं जो भी हाँ जो ले गए, उन्होंने दोबारा डिमांड की थी, इस वजह से हमने और भी परचेज किया। ठीक हो गया। इस तरह हेयर ऑयल चल रहा था, कौन सा हेयर ऑयल? ये तो देखा है, ये कोलगेट भी इंडियन है।
हाँ कोलगेट इंडियन, कोलगेट सॉल्ट होता है, ये गिनती के पीस मिल जाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी आती नहीं है। अच्छा ये गिनती के पीस, या इसकी क्या प्राइस है? ये 700 इसकी प्राइस है, फुल साइज, फुल साइज की 700 वहाँ पे क्या प्राइस है बताइएगा। अच्छा तो यहाँ पर कोलगेट के काफी सारे प्रोडक्ट है, मैं रेट बता देती हूँ इस छोटू पैक का जो की है 17 ग्राम का 10 रुपए का, मात्र 10 रुपए का 17 ग्राम ही है, या ज्यादा तो नहीं है, कहीं मेरे को थप्पड़ पड़ जाए, 17 ग्राम ही है। और ये है थोड़ा बड़ा पैक, फैमिली पैक, वो छोटू मेरे जैसों के लिए है, बैचलर के लिए, तो मैं पहले देख लेती हूँ ये कितने ग्राम का है। ये है 200 ग्राम का, ये है 145 का। हाँ तो ये है हर्बल कोलगेट। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछने वाला हूँ कि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अक्सर हालात ऐसे रहते हैं कि मतलब कभी ट्रेड बंद रहती है, कभी आपस में कशीदगी रहती है। हम छोटे थे तो जंग के दौरान भी माल मिल जाता था इंडियन, किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ एक आध आइटम तो मिल ही जाती थी। इस तरह तो नहीं हो, पैसेंजर आते हैं पर्सनल ले आए 12 पीस, 6 बाजार में बेच दिए, 6 अपने लिए रख लिए, इस तरह भी होते, इस तरह चीजों की आइट में इस तरह मिल जाती थी लोगों को। ठीक है, यानी जंग हो या अमन हो या जो भी हो, आपने ये शॉप पे इंडियन प्रोडक्ट ही रखे। हमारे 25-26 साल हो गए, इतर का काम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइगर बाम वगैरह आ रही थी इंडियन, झंडू बाम वगैरह, पहले आपने परफ्यूम वगैरह का काम किया, गिनती के पीस रिटेल शॉप के हिसाब से चला रहे। ये दिखाइएगा फेयर एंड हैंडसम जो इस टाइम मौजूद है, ये इमामी कंपनी की होती है इंडिया की, फेयरनेस क्रीम है। ठीक हो गया, इसकी क्या प्राइस है? 280 रुपीज की यहाँ पे हमें फेयर एंड हैंडसम मिल रही है। हाँ ये 60 ग्राम और ये है 142 की फेयर एंड हैंडसम। और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर हम देखें साबुन वगैरह हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, इसके अलावा और बहुत सी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप ये कह सकें कि भाई ये हमारी शॉप से ही मिलेगी, ऑलमोस्ट इंडियन प्रोडक्ट मिल जाती हैं और जगह भी मिल जाती है, सिर्फ हमें डिपेंड नहीं है। ये क्या है, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ये चीज़? ये तो झंडू बाम होता है, झंडू बाम इंडियन होता है, झंडू बाम। अच्छा ये 25 ml के है और इसका है 40, ये 50 ml, ये 143 की है, इतना ज्यादा दोगुना, ये 143 की है, इससे जो छोटू छोटू 3-4 खरीद के ले जाऊं मैं। अच्छा एक और चीज, क्या यही चीजें वहाँ पे भी ऐसा मतलब ऐसी सेल होती हैं कि ये मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि शायद वहाँ पे ना चलती हो, यहाँ पे बेच दी जाती हो, या वहाँ पे भी ये चीज कुछ का तो मुझे पता है, जैसे आयोडेक्स की बात करें, कुछ चीजों का कुछ माल आ जाते हैं तो वो भी क्वालिटी देख लेते हैं तो चल जाते हैं, वो माल तो फिर रखते हैं, बाकी नहीं रखते। और ये भाई साहब जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं कि मेड इन इंडिया है, मैं मान सकता हूँ कि मेड इन इंडिया होंगे क्योंकि उन पे हिंदी में लिखा हुआ है, और कुछ प्रोडक्ट जो है जो लेटेस्ट में अभी भी हिंदुस्तान के बाजारों में बिकते हैं वो तो है, लेकिन इनके पास जो भी ज्यादातर प्रोडक्ट है वो सारे के सारे पुराने जमाने के, आज से 10 साल 20 साल, इनकी पैकिंग देख के समझ में आता है कि ये कितने साल पुराने प्रोडक्ट है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पाकिस्तानी खुद ही बना रहे हो और मेड इन इंडिया करके बेच रहे हो, क्योंकि मेड इन इंडिया का सिक्का चलता है भाई, मेड इन इंडिया के नाम से प्रोडक्ट बिकता है, तो पाकिस्तानी तो बेशरम कौम है, ऐसा भी कर सकती है। यहाँ पे सोप वगैरह भी मौजूद है, यहाँ पे थोड़े बहुत होते हैं यहाँ पाकिस्तान में, कौन कौन से सोप? इंडियन में होगी, नंबर वन गोदरेज कंपनी का होता है ये, प्यारी सोप होता है फेयरनेस के लिए, पपीता हो, पपीते का सोप होता है जी। ये इसकी क्या पर पीस क्या कीमत है? ये 140 का वन पीस पड़ता है, 140 का वन पीस पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे मेरे ख्याल से ये 20-30 रुपीस का आई थी, इससे तो वहाँ भी हाई हो गया, वहाँ भी महंगाई है, वहाँ पे भी महंगाई है। ठीक है, बहुत से लोग वहाँ से देखने वाले हैं और इसलिए हम यहाँ पे, इस पर करेंसी के ऊपर डिपेंड है, वहाँ पर तो चीज़ें सस्ती मिल जाती होंगी तो, लेकिन वहाँ वालों को फिर भी वारा नहीं खाता होगा। तो ये है गोदरेज के साबुन जो कि 99 के हैं, 4 पीस और एक इनके साथ फ्री, जैसे सीमा के साथ बच्चे फ्री आए थे बम्पर गिफ्ट, ऐसे ये एक सीमा है वो फ्री में आई है, 4 बच्चों की कीमत है। रहमत भाई ये बताएं कि सबसे पहले तो मुझे इसकी कीमत बता दें, ये जो कंटेनर है, ये जो पैक है, इसकी क्या कीमत है काजू की? इसका तकरीबन अभी तो बहुत महंगा हुआ है, इस दफा पहले चलता था 1800-1700 रुपए, अभी 2500 तक गया। ठीक है, 2500 रुपए होलसेल पर केजी अभी बहुत महंगा हो गया, इसलिए लोग तंग हो गया, कसम खुदा का एक चीज भी नहीं बेच सकता है हम लोग। तो ये काजू इसका वेट है 240 ग्राम से 250 ग्राम, क्योंकि वजन थोड़ा कम बत्ती हो सकता है सूखने पर, और इसका रेट है 255 रुपए। क्या वजह, क्या उनकी क्वालिटी बेहतर है या क्या चीज है? क्वालिटी तो बेहतर है, ये तो सच बात है। तो ये इंडिया का जो सामान है अभी
बहुत कम आ रहा है, इसके बंद वजह होने की वजह और महंगा वजह होने के इसके वजह से बंद हो गया। बहुत कम लोग ला रहे हैं, तो ज्यादातर तौर पे ये चीज जो आया हुआ है, ये पहले हम लोगों ने यही चीज 1800-1700 रुपए पे भेज रहा था, अभी 2500 रुपए चला गया। यानी ये पहले पर केजी 1800-1700 पर केजी मिल रहा था और अब ये तकरीबन 2500 रुपए मिल रहा है, और ये होलसेल मार्केट है। अगर इसे आप आगे जाएंगे शॉप्स में जाएंगे, बाजार होलसेल मार्केट है, बिल्कुल होलसेल मार्केट है। अगर इसे कोई और जगह पे लेते हैं तो 2500-2800 रुपए मिलेगा, 3000 रुपए मिलेगा, 3200 रुपए आपको किलो मिलेगा ना, किलो मिलेगा। जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं मुझे बताइएगा, वहाँ पे इस काजू का या ओवरऑल काजू का क्या रेट है? देख लो बादाम है, बादाम नहीं आ रहा है, ठीक है, सब कुछ बंद है, ये दुबई से आ रहा है, पहले है इंडियन है, हिंदुस्तानी बादाम की कीमत लगभग 700 रुपए किलो से चालू हो जाती है, और जैसे जैसे बादाम की क्वालिटी बढ़ती जाती है तो उसकी रेट भी बढ़ती जाती है, लेकिन 700 रुपए किलो से चालू हो जाता है। पर केजी अगर आप सेल करते हैं तो बता दें, या जो भी पैकेट का हिसाब है वो बताएंगे आप? ये हम लोग कीनिया से मंगा रहे हैं भाईजान, 1350 रुपए हम चला रहे हैं, 1350 रुपए पर केजी। जी भाईजान, टाटा टी प्रीमियम देश की चाय, इंडिया के लिए अनोखा स्वाद, ये मतलब प्राउड फील हो रहा है, मेड इन इंडिया जस्ट लाइक मी। तो इसका रेट है मात्र 114 रुपए और इसका 250 ग्राम है वेट। और हम फिर ऐसे ही कहते हैं टी वाज फंटास्टिक, पाकिस्तान की टी बहुत मजेदार थी, पत्ती तो फिर कभी इंडिया से और कभी कीनिया से। अच्छा, इंडिया की पत्ती भी यहाँ पे काफी फेमस है, आती है अभी या नहीं आती? पहले आती थी, पहले आ रहा था, अभी तकरीबन हो गया 7-8 साल हो गए नहीं आ रहे, ठीक है। उसकी क्या वजह है? ट्रेड तो भी बंद हुई है ना, मतलब 2019 में, तो उससे पहले का नहीं आ रहा, या और जब ट्रेड बंद हुई है तभी नहीं आ रहा? नहीं, तकरीबन 6 साल हो गया नहीं आ रहे पत्ती, पहले आ रहा था। ये भाई साहब बोल रहे थे कि 8 साल पहले चाय पत्ती आती थी, फिर बोले 6 साल पहले आती थी। मैं कहता हूँ 4 साल पहले तक पाकिस्तानियों ने 250 करोड़ किलोग्राम हिंदुस्तान से चाय पी है, हमारी चाय पीते हैं और हमको ये कहते हैं टी वाज फैंटास्टिक। भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, बेशर्मो दोगलो, कुछ तो शर्म करो। पाकिस्तान का नेशनल नारा बना चुके हैं ये टी वाज फैंटास्टिक। आप कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तानी अगर आपको कोई फेसबुक पे यूट्यूब पे अगर आप उससे बहस कर रहे हो ना, तो वो अगर उसके पास सबसे पहले कोई लाइन है हिंदुस्तानियों को चुड़ाने के लिए तो वो बोलता टी वाज फैंटास्टिक। इन बेगरतों को ये पता नहीं जो चाय तुम पीते हो वो चाय भी हिंदुस्तानी होती है, मतलब थी। अब हिंदुस्तान ने चाय देना बंद कर दिया तो अब कीनिया से मंगा के पी रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं। फिल्में इनको इंडियन देखनी है, गाने इनको इंडियन गाने, प्रोडक्ट इनको इंडियन चाहिए, दवाइयां इंडियन खानी है इनको, चावल इनको इंडियन खाने हैं, चाय इनको इंडियन पीनी है, लेकिन गालियां भी इंडियंस को देनी है। ये सब दोगलापन है, इसलिए ये बेगरत कौम कभी भी जिंदगी में नहीं सुधर सकती है, क्योंकि ये जिसका खाते हैं उसी को गालियां देते हैं, इनमें गुण एहसान नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आप ही का। ये बाज नहीं आते पाकिस्तान को बोलने से ना, बाज नहीं आते, पूरा वीडियो गुजर गया, मुझे लगा आज कुछ नहीं बोलेंगे पाकिस्तान को, लेकिन इनका दिन नहीं शायद गुजरता पाकिस्तान को कुछ बोले बिना। लेकिन आज की जो वीडियो थी वो कंपैरिजन वीडियो थी कि भाई इंडियन प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया जो होते हैं ना, बात ये असल है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं ना वो इंडिया की बने प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा भरोसा करते हैं बजाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के जो हमें प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो मिलावट बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर मिलावट से पाक हो ना तो हम भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करें कि हाँ यार, अम्मी आपने देखा ही हुआ ना डिफरेंस, जो हम मतलब इंडियन ऑयल होता है सर में लगाने वाला वो ज़्यादा अच्छा होता है या पाकिस्तानी ज़्यादा अच्छा होता है? बस ठीक ही होता है अम्मी, अम्मी कहती है बस ठीक ही होता है, अम्मी का भी बड़ा पसंद है, जब भी कहती है ना वो डाबर आंवला ऑयल है ना वही लगाना सर में, डाबर आंवला वो नहीं का बनाया हुआ एक जो होता है ना तेल है। और इसके अलावा भाई जो टी है, मतलब के पाकिस्तान में भी मुझे लगता है कि जो होती है ना चाय वो बनती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बनती होगी, क्योंकि यहाँ पे शायद इतने ज़्यादा वो उगाने वाले पौधे नहीं हैं, शायद ये फिर दूसरे कंट्री से मंगवाने पे मजबूर होते हैं कि दूसरे कंट्री से। लेकिन बात यहाँ पे असल में ये है कि जब ट्रेड होती थी ना तो बड़ी आसानी थी शॉपकीपर्स के लिए भी, उनके भी कारोबार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, बड़े लोग इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद करते हैं। लेकिन अब जब से ट्रेड बंद हो गया ना उनके कारोबार भी हमें ठप हो गया, उनको भी बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन अब जब मतलब दुबई से होके या फिर अफगानिस्तान से होके वो यहाँ पे आते हैं ना, फिर हमें और ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो अगर डायरेक्ट ट्रेड होगी ना तो हमें वो चीज़ें जो है ना वो सस्ती से सस्ती भी मिल सकती हैं। तो अम्मी जब हम इंडिया के थे, हम वहाँ से लाए थे ना हाँ, चाय और इसके अलावा वो भी लाए थे, क्या नाम लेते हैं, तेल सर में लगाने हाँ, वाला
फिर वो क्या चमन प्राश क्या बोलते हैं उसको, वो भी शायद लाए थे, इस तरह की चार पांच चीजें लाए थे, लेकिन हम इतने बेवकूफ के हमें उन्होंने छोटी छोटी चीजें जो है ना वो लाई थी, ये नहीं किया कि बड़े ही तेल की बोतल को ले जाए ना भाई, निकी निकी ला के आगे। लेकिन यार इंडिया के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, पसंद किए जाते हैं पूरी दुनिया में, तो मैं तो चाहती हूँ पाकिस्तानी भी प्रोडक्ट्स ऐसे ही बनाएं ताकि पाकिस्तानियों को भी थोड़ा एक फायदा हो और इनको भी पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स जाएं, तो कितना हमारे लिए एक प्राउड का मोमेंट होगा। ये थी आज वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और, थैंक यू।